नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। सीपी जिले के कन्हैया थाना तहसील में न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व नायब तहसीलदार अरुण सिंह गुर्जर और 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, दरअसल मामला कन्हैया थाना की पोटा ग्राम का है, जहाँ पर नाबालिग लड़की को उसकी पैतृक जमीन उसके नाम करा देने का लालच देकर उससे कोरे कागजातों पर केवल हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। आपको बता दें, नाबालिग लड़की को यह पता चला कि वह जमीन तो बेच दी गई है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आपको बता दें, नायब तहसीलदार ने लोगों से षड्यंत्र करके इस लड़की को बालिग बता दिया और फर्जी विक्रय पत्र बनाकर जमीन को बिक्री का नामांतरण भी करा दिया। आपको बता दें, जमीन रतन और पूरन सिंह नाम के व्यक्ति को बेची गई है। आपको बता दें, इसी बेचने में रजिस्ट्री लेखक सहित अरुण सिंह गुर्जर व पटवारी मनोज नागर द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई है। आपको बता दें, लड़की ने इस पूरे मामले की शिकायत कन्हैया थाना थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लड़की ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार अरुण सिंह गुर्जर समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यदि इस मामले कोई निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े नाम भी इस मामले में शामिल निकल सकते हैं। कन्हैया थाना से मुकेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। एक मामला आया है सामने, जिसमें नायब तहसीलदार सहित 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, तो इसमें अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, न्यायालय के परिवार के ऊपर हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। एक लगाए 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। फरियादियाँ रूबी लोधी थी ये पोटा की। इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने तहसील कार्यालय से सारे दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज आने के बाद ही हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, और दस्तावेज आने के उपरांत ही हम ये बता पाएंगे इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है और आगे क्या इस पर करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रूबी। अच्छा, क्या परेशानी थी, क्या किन कारणों से आपने लोगों पर FIR कराई है, प्रभात लगाया हुआ है? इन्होंने झूठी कह के, मतलब कई नाम अंतरण होगा कि आपका कई नाम अंतरण के नाम झूठी कह के लगवा लिया है और इन्होंने रजिस्ट्री करा। अच्छा, कौन लेके आया था आपको झूठी बोलकर? राम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? कोटा। अच्छा, आपसे क्या बोले ये नामांतरण? नामांतरण के लगवा लिया कि नामांतरण होने। इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में फिर इन्होंने कोरे कागज पर दस्तखत करवा ली। फिर बाद में पता चला कि इन्हें, मतलब हम जी जंग जी आ गए जूत भी, तो कहने लगे कि हम कहीं बेरा है, तो मैंने कही जंग तो मेरी है, तो बोल ली कहीं हमने तो कहीं रजिस्ट्री करवा ली, तो मैंने फिर नकल मकल निकलवाई। तो फिर उस टाइम पर आपकी एज कितनी थी? अभी एज 16 साल। अच्छा, आप नाबालिग थे। हाँ, तो फिर इसके बाद आपने प्रभात लगवाया।